अब इतनी बड़ी बात साहब टंकी थी, इस टंकी के नीचे अकबर शाह जी खड़े थे। हमने कहा कि जरूर है कुछ ना कुछ मामला होगा, क्या बताए। बात साहब फेरन लबली के पास खड़े हो गए और ना जाने कौन सा प्रचार कर रहे थे, चमचमा रहे थे। हमको लगा कहीं बात साहब भूषण का प्रचार तो नहीं कर रहे फेरन लबली लगा करके। बात साहब पता चला यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब, टंकी को लेकर समस्या है। पिछले सरकार में इतनी महंगी टंकी बनी, यूं सरकार बात साहब चालू है नहीं कर पाई। अब सुनी जरा, वो तो सुना क्षेत्र का मामला है, फेरन लबली की तरह अकबर शाह जी चमचमा रहे थे। सिरोली गौसपुर कार्यकर्ताओं की कुछ समस्याओं को लेकर उप जिला अधिकारी से मिलने आए तो वहाँ पर हमको कस्बा बदोसराय के वासियों ने अवगत कराया कि हमारे कस्बे में पूर्व सरकार द्वारा पानी की टंकी लाखों की लागत से बनवाई गई थी, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। सप्लाई करना शुरू हुआ, पूरे पाइप फट गए और आज तक कस्बा वासियों को एक बूंद पानी पीने की नौबत नहीं आई। मैं प्रदेश सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जिस सरकार में ये टंकी बनवाई गई है और जल निगम द्वारा बनवाई गई हो, उसके जो ठेकेदार हों उनकी जांच हो और पुनः टंकी ये चालू करवाई जाए, जिससे सरकार का लाखों रुपए खर्च हुआ है वो आम जनता को उसको लाभ मिल सके। अब अकबर शाह जी की भाई साहब समस्याओं का निदान कब होगा पता नहीं, भाई साहब आम जनमानस को कब पानी मिलेगा ये भी नहीं पता। पर भाई साहब अमेठी जैसे बहुत बड़ी खबर है, वीरेंद्र भाई साहब फोन करके देखो भाई देखो यहाँ तो बवाल हो गया, यहाँ पर भाई साहब विधायक जी को उठा लिया गया। अब विधायक जी भाई साहब सड़क बनवा रहे थे क्यों सरकार में, तो कहा था उठा लिए गए। ऊपर से भाई साहब ये थे बकायदा सपा के विधायक। जैसे आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की हिदायत पर पहले तो अनशन खत्म किया गया, उसके बाद विधायक जी जब सड़क बनाने लगे तो कहा बताए उठा लिए गए। ऐसे उठा गए कि कहा बताए गौरीगंज भाई साहब विधानसभा क्षेत्र के विधायक, विधायक जी से मुलाकात कर लीजिए, सुनिए काका बोल रहे हैं। देखो बेटा को कैसे लात कर लिए जा रही थी पुलिस। मैं परसों तक आमरण अनशन पे था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अपील पे मैंने अनशन तोड़ा और अनशन तोड़ के मैं जब लोगों से लाइव हुआ तो मेरे क्षेत्र के माताओं बहनों ने शुभचिंतकों ने फ़ोन किया कि आप आइए, हम जन सहभागिता से चंदा लगा के अपने पेंशन दे के अपने परिवार का गहना बेच के गिट्टी भी मंगाएंगे, जो सड़क में बनाने में मशीनरी लगती है उसको भी ले आएंगे, आप केवल यहाँ खड़े रहिए, सड़क हम लोग अपने आप बना लेंगे। विधायक जी यही तो जुलम हो गया कि आपने सड़क बनाने की बात कर दी, यहाँ पर सड़क पर सियासत शुरू हो गई। अब लीजिए बात साहब सड़क के लिए बात साहब विधायक जी को उठा लिया गया, लगता है बात साहब इससे बकायदा जेल में भी सड़क बनवाई जाएगी। अब कहा बताएं गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के बात साहब वर्तमान विधायक है और देख लो कैसे उठा लिए गए। पर फिलहाल बात साहब अमेठी के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अब ये वाली खबर बात साहब बाराबंकी जिले के सट्टी बाजार से, कहा बताए भाई साहब सट्टी बाजार के पास एक सपा के दिग्गज नेता का आवास पड़ता है, जहाँ पर बकायदा समाजवादी के अल्पसंख्यक बात साहब सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हजरत मौलाना इकबाल खां। अब आए थे बात साहब तो कहा बताए इनका स्वागत भी किया गया और साथ ही साहब देखो समाजवादी के दिग्गज नेता अरविंद सिंह गोप भी दिखे और बकायदा देख लो सदर विधायक सुरेश यादव जी भी पहुंचे थे, बकायदा माला वाला बना रहे थे, गुलदस्ता लेकर भाषा देख लो सम्मानित कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे जिले में। अब भाषा आपको गुलदस्ता दिखाई देते एस पी दफ्तर लिए चलते, जहाँ पर बकायदा गुलजार मानव जी दिख गए, बकायदा नवागत एस पी साहब को सम्मानित करने के लिए पहुंची। देखो भैया देखो कैसे गुलदस्ता भेंट कर रही थी, एस पी साहब विराजमान थे कुर्सी पर और देखो गुलदस्ता पकड़ा रही थी, इधर से सुची सी माया दो जी को भी गई थी। और फिलहाल बाराबंकी जम्मू से उत्तर प्रदेश के लिए एबीपी रिपोर्ट की तरफ वीडियो एस वी लिखी और शुरू करना कदम मिलेगा। Thank you.